हु एमंग द फलोइंग इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एमानंक मध्यरु कहाँ को कहा जाए थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो यार करेक्ट आंसर टी हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाए थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैरालंपिक्स गेम्स वाज ऑर्गेनाइज बाय डेस, तो पे फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स क्यों कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी, तो यार करेक्ट आंसर टी हो इटाली। तबे फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इटाली रे ऑर्गेनाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, तबे संस्कृत ग्रामर किए लिखी थे, तो यार लेखक होती पाणिनी। संस्कृत ग्रामर किए लिखी थे पाणिनी, तो यह सहित से अष्टाध्यायी मध्य लिखी थे। तो अष्टाध्यायी किए लिखी थे पाणिनी, आउ कौन लिखी थे संस्कृत ग्रामर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन व्हिच कांग्रेस सेशन व्हाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड, तबे कांग्रेस रो क्यों सेशन रे पूर्ण स्वराज डिमांड करा जाय थिला, तहर करेक्ट आंसर टी होची लाहौर सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव टी आगत होइतिला। तो ही लाहौर सेशन केबे होइतिला, तो यह होइतिला 1929 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सी भी रमन, तो सी भी रमन कर स्मृति रे नेशनल साइंस डे केबे पालन करा जाय थे, तहर करेक्ट आंसर टी होची 28 फेब्रुआरी। तो 28 फेब्रुआरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करा जाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्यों आर्टिकल अनुसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पारिबे और पार्लियामेंट रो सही पावर रही छि, तो यार करेक्ट आंसर टी हो छि आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 अनुसार पार्लियामेंट रो पावर रही छि कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तेमानंक मध्यरु किए राज्यसभा चेयरमैन होइथंती, प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ना वाइस प्रेसिडेंट ना अटर्नी जनरल, तो किए राज्यसभा चेयरमैन, तो से होइछंती वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बा राष्ट्र उपराष्ट्रपति हो जे कि राज्यसभा चेयरमैन अटंती, और से हीपरि लोकसभा चेयरमैन किए, तो लोकसभा चेयरमैन होउछंती बाचस्पति, आ राज्यसभा चेयरमैन होउछंती उपराष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सांबर लेक लोकेटेड, तबे क्यों राज्य रे सांबर लेक रही, तो यह रही राजस्थान रे। तो राजस्थान रे रही सांबर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोदी डायनेस्टी वाज एस्टाब्लिश बाय डस, तबे लोदी डायनेस्टी किए प्रतिष्ठा करथिले, तो यार करेक्ट आंसर टी होची बहलोल लोदी। तो लोदी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज डस, तबे गोदावरी रिवर रो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कोटा, माने केउ थारु गोदावरी नदी टी उत्पत्ति होई छि,
तो यार करेक्ट आंसर टी होची नासिक। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट रु गोदावरी नदी टी उत्पत्ति होची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फुलफिल्ड मस्ट बी फिल्ड विथ इन डैश। तबे प्रेसिडेंट का ऑफिस रे वैकेंसी केते दिन मध्य रे फिल हेबा आवश्यक। तो यार करेक्ट आंसर टी होची 6 मंथ। तबे 6 मंथ मध्य रे प्रेसिडेंट का ऑफिस रो वैकेंसी फिल अप हेबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नोवेल आनंदमठ वाज ओरिजिनली रिटन इन डैश लैंग्वेज। तबे फेमस नोवेल आनंदमठ ओरिजिनली क्यों लैंग्वेज रे लिखा जायतिला। तो यार करेक्ट आंसर टी होची बंगाली। तो आनंदमठ उपन्यास प्रथमे क्यों लैंग्वेज रे लिखा जायतिला बंगाली लैंग्वेज रे। तो यार लेखक किए थिले ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी फॉर्म इन द ईयर 1922। तबे स्वराज पार्टी रा प्रेसिडेंट किए थिले और स्वराज पार्टी केबे फॉर्म होइतिला 1922 रे। तो यार प्रेसिडेंट थिले चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी रा प्रेसिडेंट किए थिले चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तेबे वर्ल्ड रा केते परसेंट इंडिया रा एरिया अटे। तो टोटल वर्ल्ड रा 2.4% होची इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होस्टेड द 1982 एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। तबे एशियन गेम्स रा 1982 एडिशन क्यों कंट्री होस्ट करी थी। तो यार करेक्ट आंसर टी होची इंडिया। तो एशियन गेम्स रा 1982 एडिशन टी इंडिया रे होई थिला। द टेम्पल एट खजुराहो वेयर बिल्ट ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी। तेबे खजुराहो मंदिर क्यों डायनेस्टी टाइम रे होइतिला। तो यार करेक्ट आंसर टी होची चांदेला डायनेस्टी। तो चांदेला डायनेस्टी को टाइम रे खजुराहो मंदिर निर्माण होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तबे इंडिया रे केतोटी बायोस्फीयर रिजर्व रही। तो यार करेक्ट आंसर टी हो 18। तो इंडिया रे 18 बायोस्फीयर रिजर्व रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तबे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन तो यह कहार ऑटोबायोग्राफी अटे। तो यार करेक्ट आंसर टी होची नीरज सी चौधरी। तबे नीरज सी चौधरी ऑटोबायोग्राफी होची द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। तबे मौलिक कर्तव्य तो नागरिक मानकर जो मौलिक कर्तव्य रही तो ताहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे ऐड होइतिला। तो यार करेक्ट आंसर टी होची 1976। तो 1976 मसीह रे केतेतम अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट तो 42nd संविधान संशोधन अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़िक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड होइतिला। तबे यह क्यों आर्टिकल रही आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A रे रही फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
तेबे इंडियार कैपिटल दिल्ली हवा समय रे तो इंडिया रो वायसराय किए थे मैंने कहा समय रे इंडिया रो कैपिटल दिल्ली होइतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड हार्डिंज। तो लॉर्ड हार्डिंज को टाइम रे इंडिया रो कैपिटल दिल्ली होइतिला किंतु एहा पूर्वरु इंडिया रो कैपिटल कोटा थिला कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन एणी की प्रति शनिवार दिन छात्र सभा बसिबो एहा केउ कालरे अछि तो एणी की प्रति शनिवार दिन छात्र सभा बसिबो तो बसी नहीं बसिबा कथा कह जाय छि तो एहा भविष्यत काल को बुझाउ छि तो करेक्ट आंसर टि हो जइबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी झुली झुली चले एही वाक्य रे केउटी क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण कहा को कहा जाए तो जहाँ क्रिया को विशेषित करे तो यठार हाथी हेउची विशेष्य पद और क्रिया हेउची चालो बा चाले तो यह को विशेषित करुची झुली झुली तो यठार क्रिया विशेषण हो जिबो झुली झुली तो हाथी किपरि चले झुली झुली। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटे पदर दुई थर व्यवहार द्वारा क्रिया विशेषण तो एठारे चारोटी दिया जाय छी धीरे प्रांजल भावे बिंदु बिंदु आ सहित तो एठारे केउ पदर दुई थर व्यवहार द्वारा क्रिया विशेषण होइते तो धीरे तो यह थरे दिया जाय छी प्रांजल भावे यह मध्ये हो नाही तो देखंतु बिंदु बिंदु तो यह पदर दुई थर व्यवहार करा जाय छी आ यह दुई थर व्यवहार द्वारा क्रिया विशेषण अटे तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन बेगरे बहुची एही वाक्य रे बेगरे क्यों विभक्ति रे क्रिया विशेषण होइची तो पवन बेगरे बहुची तो एठारे जो रे रहिछि तो यह क्यों विभक्ति रे क्रिया विशेषण होइछि तो साधारणतः तृतीय तृतीय एवं सप्तमी विभक्ति रे रेर व्यवहार होइते तो यह क्यों विभक्ति अटे तो एठारे देखंतु तृतीय विभक्ति देछि किंतु सप्तमी विभक्ति दे नै तेणु यह होइजबो तृतीय विभक्ति तो तृतीय विभक्ति रे क्रिया विशेषण होइछि। तापर देखंतु पंचमी विभक्ति तो पंचमी विभक्ति रे कौन थाए रु ठारु तो ये सब होची पंचमी विभक्ति। तापर चतुर्थी विभक्ति तो चतुर्थी विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति रे कुं कु मानंकु तो इत्यादि रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मनह जोग बांछा समान कौन हेबो तो मनह जोग बांछा समान मनो बांछा तो मनह जोग बांछा समान मनो बांछा तो मन बांछा हेबो नहीं मनो बांछा हेबो तो करेक्ट आंसर टी हो जिबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वागत तो स्वागतर संधि विच्छेद कले हेबो सुयोग आगत सुयोग आगत समान स्वागत तो सु आगत हेबो नहीं स्वागत हेबो नहीं स्वाजोग आगत हेबो नहीं तो सुयोग आगत समान स्वागत तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नयन तो नयन शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हेबो ने युक्त अन तो ने जोग अन समान नयन होइथे तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन डी तो ने युक्त अन नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन जगन्नाथ तो जगन्नाथ शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हेबो तो जगन्नाथ जग जग नाथ हेबो नहीं जगन जग नाथ मध्ये होइनथे
तो जग जग नाथ मध्य हम नहीं तो जगत जग नाथ तो जगत जग नाथ समान जगन्नाथ तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन परिष्कार तो परिष्कार शब्दर संधि विच्छेद कले हम परि ही जोग कार तो परिकार हम नहीं परिष्कार हम नहीं परि ही जोग कार हो जाए करेक्ट आंसर तो परि ही जोग कार समान परिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन समास पदगुड़िक मिलित होगा पर जो पद सृष्टि हुए ताकू कौन कहती तो समास पदगुड़िक मिलित होगा पर जो पद सृष्टि हुए ताकू कहा जाए था समस्त पद। नेक्स्ट क्वेश्चन तांकर डेस मनोभाव जोगु परिवारटा उजुड़ी गला तो न छड़ बंधा देह लगा नाटर गोवर्धन ना फटा कपाल तो यठे करेक्ट आंसर टी हो न छड़ बंधा तो तांकर न छड़ बंधा मनोभाव जोगु परिवारटा उजुड़ी गला तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन घर ढिंकी कुंभीर तो यही रूढ़ीटर अर्थ कौन निज लोक शत्रु हेबा ना असामाजिक व्यक्ति निज लोक अजोग्य बा शत्रु गुप्त रे घरे लुचि रहिबा तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो निज लोक शत्रु हेबा तो घर ढिंकी कुंभीर यही रूढ़ीटर अर्थ होउछि निज लोक शत्रु हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन गोबर गणेश तो गोबर गणेशर अर्थ कौन अति सुंदर तो यह हेबो नहीं तापर अति चालाक मध्य हेबो नहीं गोबर तैयारी गणेश मध्य हेबो नहीं तो गोबर गणेश माने मूर्ख तो गोबर गणेश यही रूढ़ीर अर्थ होउछि मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ बलद मते बिंद तो यही रूढ़ीटर अर्थ कौन तो विपद रे पकाइबा अति दुष्टामी करिबा ना विपद को डाकी आनिबा ना जीविका छड़ाई नबा तो आ बलद मते बिंद यही रूढ़ीर अर्थ होउछि विपद को डाकी आनिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश छुरी डैश काटे तो अंटी छुरी कानी काटे हेबो नहीं तो पर रखिथिबा छुरी लुगा काटे तो यह मध्य हेबो नहीं तो पर नेक्स्ट रही अंटी छुरी तंटी काटे तो यह हो करेक्ट आंसर तो अंटी छुरी तंटी काटे तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश सापर डैश विष तो बड़ सापर छोट विष तो यह हेबो नहीं तो पर छोट सापर बड़ विष तो यह हो करेक्ट आंसर तो छोट सापर बड़ विष। नेक्स्ट क्वेश्चन सोइला पुअर भाग नहीं तो यही रूढ़ीटर अर्थ कौन कर्मखुंट लोक जीवन रे हारी जाए गुप्त कथा प्रकट करिबा स्वार्थ साधन परे आग्रह कमी जिबा बा बहु स्थान रे परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा तो सोइला पुअर भाग नहीं तो यही रूढ़ीटर अर्थ हो कर्मकुंठ लोक जीवन रे हारी जाए तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनधिकार चर्चा तो यार रूढ़ीटी कौन अलसुआर बारवाटी चाष ना अठाकाठी पड़वा अदा बेपारी जहाज मूल ना डेगा मुंडे ठेगा तो अनधिकार चर्चा मान अदा बेपारी जहाज मूल तो यही रूढ़ीटर अर्थ होनाधिकार चर्चा। अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन तो यठार नाउन कौटा तो नाउन होनेस्टी।
तो आम नाउन को किपर आइडेंटिफाई करवा तो व्हाट हु किंबा हुम क्वेश्चन द्वारा आम यह आइडेंटिफाई कर परिबा। तो एठारे व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एठारे नाउन हो ऑनेस्टी। तो यह कि प्रकार नाउन अटे तो ऑनेस्टी, तो यह आम देखि परिबा नहीं किंतु यह आम फिल कर, तो जहाँ को आम फिल कर अब्स्ट्राक्ट नाउन। तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी, तो एठारे नाउन होउची अब्स्ट्राक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस, तो ये वाक्य रे कोटा होउची नाउन। इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन, तो एठारे नाउन कोटा, तो देखंतु एठारे सब्जेक्ट होउची इट, तापरे टेक होउची वर्ब आउ एटा होउची ऑब्जेक्ट, किंतु ऑप्शन रे कोटा देछि टैग देची, तो यह हेबो नहीं, तापर ऑल मध्य हेबो नहीं, योर मध्य हेबो नहीं, तो नाउन हो एनर्जी। तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी, तो एनर्जी होठारे नाउन, इट विल टेक ऑल योर एनर्जी। तो यठार आम से क्वेश्चन पचारिकी नाउन को आइडेंटिफाई करिबा करी परिबा। देखंतु इट विल टेक ऑल ऑफ योर व्हाट, तो व्हाट जगह हो एनर्जी, तेणु एठार नाउन होउची एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए गगल्स ऑफ गीज, ए मर्डर ऑफ क्रोच, ए डैश ऑफ वोल्व्स, तो यठार जोपर बर्ड सहित ए फ्लॉक ऑफ लगला, गीज सहित ए गगल्स ऑफ लगला, तो क्रोच सहित ए मर्डर ऑफ लगला, तो से हीपरी वोल्ड सहित कौन लगे, तो देखो ऑप्शन ए रे देछि होस्ट, तो होस्ट का सहित लगी था होस्ट ऑफ स्पेरो होई था होस्ट ऑफ स्पेरो, तो यह हेबो नहीं, तापर स्कूल, तो स्कूल ऑफ फिश होई था, तो फिश सहित स्कूल लगी था, तापर सी रे देछि कन्वो, तो कन्वो ऑफ व्हीकल, कन्वो व्हीकल हुई थे, तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी पैक ऑफ ओल्स, तो पैक ऑफ ओल्स होठार करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द वर्ड बिलो दैट हैज नो प्लुराल फॉर्म इन इंग्लिश, तो यठार डेटम, सिलेबस, स्टेडिया एवं होमवर्क, तो ये चारोटी वर्ड मध्यरु क्यों वर्डर प्लुराल फॉर्म नहीं, तो देखंतु डेटम, तो डेटम रो प्लुराल फॉर्म होउची डाटा, तापर सिलेबस, सिलेबस रो प्लुराल फॉर्म होउची सिलेबी, तापर नेक्स्ट होइची स्टेडिया, तो स्टेडिया प्लुराल फॉर्म रे ही रहिची, तो यार सिंगुलर फॉर्म होउची स्टेडियम, तो स्टेडियम रो प्लुराल होउची स्टेडिया, तो ये तीनोटी वर्ड रो प्लुराल फॉर्म रही, किंतु होमवर्क, तो यार प्लुराल फॉर्म नहीं, तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी। तो चलत देखा वर्ड रो प्लुराल फॉर्म, तो कमांडर इन चीफ रो प्लुराल हो कमांडर्स इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ हो गोटे कंपाउंड नाउन, तो यठार जोटा मेन वर्ड रही सेतिरे एस लगिकी प्लुराल होते, तो यठार मेन वर्ड होउची कमांडर, तो यह प्लुराल कले आम कमांडर रे एस लगाइबा, तो यार प्लुराल फॉर्म टी होइजबो कमांडर्स इन चीफ। तापर मेजर जनरल, तो यार प्लुराल फॉर्म होउची मेजर जनरल्स, अटर्नी जनरल रो प्लुराल फॉर्म होउची अटर्नीज जनरल, तापर मेट सर्वेंट, मेट सर्वेंट रो प्लुराल फॉर्म होउची मेट सर्वेंट्स, लुकर ऑन रो प्लुराल फॉर्म होउची लुकर्स ऑन, पेसर वाय रो प्लुराल फॉर्म होउची पेसर्स वाय, मदर इन लॉ रो प्लुराल फॉर्म होइजबो मदर्स इन लॉ, मेन सर्वेंट रो प्लुराल फॉर्म होइजबो मेन सर्वेंट्स, एमए रो प्लुराल फॉर्म एमएज, माउस रो प्लुराल फॉर्म माइस,
ଅକ୍ସର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଅକ୍ସିନ୍, ଡେଟମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଡାଟା। ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ। ଫରମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଫରମ୍ସ ବା ଫୋରା। ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଷ୍ଟେଡ଼ିଆ। କ୍ରିଟେରିଅନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଫେନୋମେନମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଫେନୋମେନା। ଫର୍ମୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ଫର୍ମୁଲାଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଏସିସ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଓଏସିସ୍। ଲକନାର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲକୁନା। ଇରେଟମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇରେଟା। ମେମୋରେଣ୍ଡମ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ମେମୋରେଣ୍ଡା। ଆଲୁମ୍ନାସ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଆଲୁମ୍ନି। ସିଲାବସ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ସିଲାବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ନାଉନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ସିନେରୀ ଟୁ ବି ବ୍ରେଥ୍ ଟେକିଂ। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁଟା ନାଉନ୍? ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଭିଜିଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ତ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବି ବ୍ରେଥ୍ ଟେକିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ସିନେରୀ। ତ ଏଠାରେ ନାଉନ୍ ହେଉଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ସିନେରୀ। ତେବେ ଦାର୍ଜିଲିଂ କେଉଁ ନାଉନ୍ ଆଉ ସିନେରୀ କେଉଁ ନାଉନ୍? ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ର ପ୍ରପର୍ ନେମ୍, ତ ଏହା ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ଆଉ ଏଠାରେ ସିନେରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଏବଂ ସିନେରୀ ହେଉଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଆଉ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବିରେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଏ ଚୁଜିଂ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଅପସନ୍। ଡେସ୍ କଲ୍ଚରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ କାହାର କଲ୍ଚରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆର କଲ୍ଚରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଭାରତର, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ହେଉଯିବ ଭାରତ, ତ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କଲ୍ଚରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ରଙ୍ଗ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍। ତ ଏଠାରେ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଅଟେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ମି ଏହା ତ ଠିକ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ସିପ୍ସ, ତ ସିପ୍ସ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସିପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସିପ୍ର ବୋଥ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଡିଅର୍ ହୋଇଥାଏ, ଡିଅର୍ସ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେହିପରି ସିପ୍ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ସିପ୍ସ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଜର୍ସ ତ ଏହା ଠିକ୍ ରହିଛି, ଡଟର୍ସ ଇନ୍ ଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କରେକ୍ଟ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏଠାରେ କେଉଁଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି, ୟୋର୍ ଫେଥଫୁଲି, ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି, ଆଉ ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ସି, ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି। ତ ଏଠାରେ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ତ ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏହା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହା ଲେଖିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପଟ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ନାଉନ୍। ତ ଏଠାରେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନାଲ୍ସ, ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ମିସ୍ଚିପ୍, ଆଉ କ୍ରେଡ଼େଣ୍ଟିଆଲ୍ସ। ତ ଏଠାରେ ଆନାଲ୍ସ, ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼େଣ୍ଟିଆଲ୍ସ, ତ ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମିସ୍ଚିପ୍, ତ ଏହା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏସ୍ ଇ ଏସ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ସବୁବେଳେ
सिंगुलर हेल्पिंग भाव रो यूज होते तेणु एठारे कोटा अलग रही मिसचीफ तेणु करेक्ट आंसर टी होची बो ऑप्शन सी। तो देखंतु केतेक नाउन जहाँ कि सिंगुलर भाव रे यूज होता है एवं यह सहित सिंगुलर हेल्पिंग भाव मध्य यूज होता है तो एथिरे एस यस लगे ना तो से गुड़िक होची सीनेरी एडवाइस इनफॉरमेशन मशीनरी स्टेशनरी फर्नीचर एब्यूज वेकेशन मनी एविडेंस एम्प्लॉयमेंट फूड फ्यूल बैगेज लगेज फ्यूल न्यूज मिसचीफ पोएट्री बिजनेस इकोनॉमिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स क्लासिक एथिक्स एथलेटिक्स इनिंग्स तो ये सब बेले सिंगुलर भाव में यूज होता है एवं यह सहित सिंगुलर हेल्पिंग भाव रो यूज होता है। तो देखंतु एग्जांपल द सीनरी ऑफ कश्मीर आर फोर सीन तो यठार आर लगे ना तो ये सीनरी सहित सिंगुलर हेल्पिंग भाव यूज इज लग द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ओर्थ सीन तो से परी ही हैज रिसीव नो इनफॉरमेशन सो फेयर तो इनफॉरमेशन रो प्लुराल हो न थाए तो यठार इनफॉरमेशन हेबो तो इनफॉरमेशन सहित तो एस एस लगे ना तो ये वर्ड गुड़ी को आपण मैंने मन रखी ने व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस तो ये सेंटेंस रे नाउन कौटा ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इनफॉरमेशन तो ही गेव मी व्हाट द मेनी पीसेस ऑफ इनफॉरमेशन तो यठार नाउन होउची इनफॉरमेशन आउ यह हूँ गोटे अनकाउंटेबल नाउन तो से पीसेस ऑफ रो यूज हो तो यठार नाउन कौटा इनफॉरमेशन तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस तो यठार कौटा करेक्ट रही तो ऑप्शन ए रे द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस तो यठार कौटा ठीक रही तो देखंतु पीजेंट्री तो पीजेंट्री सहित सब बेले प्लुराल हेल्पिंग भाव रो यूज होता है एवं यार प्लुराल फॉर्म हुए ना तो पीजेंट्री हेबो ना तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट रही तापर पीजेंट्री सहित सब बेले प्लुराल हेल्पिंग भाव रो यूज होता है किंतु एठारे सिंगुलर हेल्पिंग भाव यूज हो तो ये दुईटी ऑप्शन कटिज तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए जोठारे कि प्लुराल हेल्पिंग भाव रो यूज हो तो करेक्ट आंसर टी हो द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस तो देखंतु सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज आज प्लुराल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक ए प्लुराल फॉर्म तो ये नाउन गुड़िक सिंगुलर भली देखा जाए किंतु यह प्लुराल भाव में यूज होता है एवं प्लुराल भाव मध्य सहित यूज होता है जपर आम देखिले पीजेंट्री तो सेपरि कैटल जेंट्री क्लर्जी पीपुल पल्ट्री मेजोरीटी फल्क तो यह सब सहित सब बोले प्लुराल हेल्पिंग भाव रो यूज होता है तो देखंतु कैटल यह सहित आर रो यूज हो और मेजोरीटी सहित आर रो यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए रे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स आज दे आर हॉलीडे हैव स्टार्टेड चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ आज दे आर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ आज दे आर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ आज दे आर हॉलीडे हैव स्टार्टेड तो देखंतु चाइल्ड रो प्लुराल होउछि चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन सहित एस रो यूज हेबो नाही और नेक्स्ट देखंतु मिसचीफ तो मिसचीफ सब बेले सिंगुलर भाव में यूज होता है तो यह सहित एस रो यूज हुए नाही तो ऑप्शन ए मध्य एठारे कटि जिवो तापर चिल्ड्रेन सहित एपोस्ट्रोफी एस यह लगे ना तो ऑप्शन ए सी आउ डी कटिज तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए।
जहाँकि करेक्ट रही। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ आज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यठार कौटा करेक्ट रही। ऑप्शन ए रे देछि द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen एग। द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen ऑफ एग। द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen एग्स। ऑप्शन डी रे देछि द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen एग्स। तो यठार करेक्ट आंसर टी कौन हबो। तो जते बेले न्यूमेरल तपरे यूनिट प्लस नाउन रही था। तो देखो तो न्यूमेरल हो थ्री और डजन हो यूनिट एवं एग हो नाउन। तो ये समय रे यूनिट सब बेले सिंगुलर होता है और ये नाउन ये नंबर रे अकॉर्डिंग होता है। जदि यह प्लुराल होता है तेज नाउन प्लुराल होता है। तो देखो तो यठार न्यूमेरल प्लस यूनिट प्लस नाउन रही। तो यूनिट सब बेले सिंगुलर हे तो यह प्लुराल रही। ऑप्शन सी रे प्लुराल रही। तो ऑप्शन बी आउ सी कटिजो। तापर देखो ऑप्शन डी रे देछि द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen एग्स। तो थ्री रो अकॉर्डिंग एठारे एग्स प्लुराल होइछि किंतु एठारे एग रे एस लागिबा कथा एहा लागि नहीं। तो ऑप्शन ए मध्य कटिजो। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन डी द शॉपकीपर सोल्ड 3 dozen एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यठार कौटा करेक्ट रही। ऑप्शन ए रे देछि द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट रही फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। ऑप्शन सी रे देछि द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखो तो फिजिक्स रे सब बेले पी एच वाई एस आई सी एस हो। तो ऑप्शन डी एमती ही कटिजो। तपर आउ गोटे पॉइंट मन रखु। तो देखो तो सब्जेक्टर नेम सहित जपरी मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनोमिक्स तो ये सब सहित सब बेले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो ये सब सब्जेक्ट सहित सब बेले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है किंतु जिते बेले जड़े व्यक्तिर पढ़ाइवा शैली को बुझाई थाए जड़े व्यक्तिर बिहेवियर को बुझाई थाए तो से सहित प्लुराल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यठार एस सी वर्मा फिजिक्स विषय कहा जा तेणु एठार कौ हेल्पिंग वर्ब यूज हे। तो यठार प्लुराल हेल्पिंग वर्ब यूज हे किंतु जिते बेले यह सब्जेक्ट भाव यूज होता है तो से सहित सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल देखु फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स सहित एठार इज लगे किंतु एठार द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा तो यठार प्लुराल हेल्पिंग वर्ब यूज हे। तो जिते बेले सब्जेक्ट सहित जड़े व्यक्ति को जोड़ा जाए था तो से समय प्लुराल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यह निहाती मन रखु। तो करेक्ट आंसर टी कौन है ऑप्शन बी फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यठार कौटा करेक्ट रही। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ताने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जनइबे आईपरि डेली क्लास करने निश्चय चैनल टी सब्सक्राइब करदे। ओके धन्यवाद।